अभी देश में फिलहाल लुलू मॉल को लेकर विवाद जारी है, इस पर बयानबाजी भी हो रही है। इन सब बातों के बीच एक बात ये भी चल रही है कि लखनऊ का लुलू मॉल देश का सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। देश का सबसे बड़ा मॉल नहीं है लखनऊ का लुलू मॉल, ये बात महज एक अफवाह है। तो चलिए आपको बताते हैं कि लखनऊ का लुलू मॉल अगर देश का सबसे बड़ा मॉल नहीं है तो कौन है देश का सबसे बड़ा मॉल। लखनऊ का लुलू मॉल देश का सबसे बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन ये किस नंबर पर आता है, तो चलिए ये सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हैदराबाद का सैरट सिटी कैपिटल मॉल, हैदराबाद के सबसे बड़े मॉल में से एक। फैशन, होम डेकोर, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई श्रेणियों में 430 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय ब्रांड है। ये 27 लाख स्क्वायर फीट का है। अगर खरीदरी के अलावा बात करें तो ये मॉल मनोरंजन के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जिसमें 7 स्क्रीन AMB सिनेमाज, मल्टीप्लेक्स, एक इंडोर एडवेंचर पार्क, एक टेम्पोइन पार्क, एक स्नो थीम पार्क और बहुत कुछ है। दूसरे नंबर पर है लखनऊ का लुलू मॉल। 10 जुलाई को यूपी के लखनऊ के लुलू मॉल का उद्घाटन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया था। ये मॉल 22 लाख स्क्वायर फीट में है। इस मॉल को 2000 करोड़ रुपए की लागत से 22 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। बता दें लुलू ग्रुप में जो फ्लैगशिप है और सबसे बड़ा इंडोर फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर फंटूरा, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लुलू ग्रुप द्वारा निर्मित ये पांचवा मॉल है। इससे पहले बेंगलुरु, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर में इस तरह के मॉल कंपनी बना चुकी है। वही इस मॉल में बच्चे खूब आनंद उठा रहे हैं। यहाँ कई इंटरैक्टिव आकर्षण जैसे मिनी कोस्टर, ड्रॉप टावर, एक VR इनबिल्ट एडवेंचर एरिना, ऑर्कर्ड और नए नए वीडियो गेम्स। मॉल के फूड कोर्ट में कई तरह के व्यंजन भी मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर है केरला का लुलू इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल। मॉल में 300 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और 12 एंकर स्टोर है, जिसमें लुलू हाइपरमार्केट, देश का सबसे बड़ा इंडोर मनोरंजन क्षेत्र, 3800 से अधिक कारों के लिए कार पार्किंग स्थान शामिल है। ये मॉल 20 लाख स्क्वायर फीट में है। इसमें विभिन्न क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खाना परोसने वाले 2500 लोगों की क्षमता वाला एक फूड कोर्ट भी है। मॉल में 12 स्क्रीन वाला सुपरलेक्स मल्टीप्लेक्स है, जिसमें PVR सिनेमा द्वारा 4DX स्क्रीन शामिल है। चौथे नंबर पर है नोएडा का DLF मॉल। ये देश का चौथा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और दिल्ली NCR में सबसे पसंदीदा मॉल में से एक है। ये मॉल 20 लाख स्क्वायर फीट में है। ये मॉल 45.91 एकड़ में है। इस मॉल में 7 मंजिल है और मॉल में 100 से अधिक फैशन लेबल सहित लगभग 330 ब्रांड है। साथ ही 50 से अधिक खाद्य और पे आउटलेट, एक विशाल फूड कोर्ट और 80 से अधिक कियोस्क खाने और फैशन और घरेलू सजावट में शामिल है। पांचवें नंबर पर है गुड़गांव का एम्बियंस मॉल। इसमें 21 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र और 18 लाख वर्ग फुट का GLA क्षेत्र शामिल है, यानी ये मॉल 18 लाख स्क्वायर फीट में है। अधिकांश मंजिलों का खरीदारी क्षेत्र 860 मीटर है। एम्बियंस मॉल में 230 से अधिक स्टोर और फूड आउटलेट है। इसकी पार्किंग की जगह लगभग 4000 वाहनों को समायोजित कर सकती है। मॉल 2007 में जनता के लिए खोला गया था। इसने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शॉपिंग सेंटर और वर्ष का सबसे प्रशंसित शॉपिंग सेंटर पुरस्कार जीता है। तो यह है पांच देश के सबसे बड़े मॉल। अब बात करें लुलू मॉल की, तो 10 जुलाई को यूपी के लखनऊ में लुलू मॉल का उद्घाटन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसके बाद 12 जुलाई को एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे मॉल के अंदर, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और विवाद शुरू हो गया। यहाँ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। वही इसका विरोध में मॉल के अंदर दो युवकों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ा, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। और अब ये बात सामने आई है कि लुलू मॉल, जिसको भारत का सबसे बड़ा मॉल कहा जा रहा था, वो नहीं है। भारत का सबसे बड़ा मॉल हैदराबाद का सैरट सिटी कैपिटल मॉल और दूसरे नंबर पर लुलू मॉल आता है। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।